नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास सिक्स के जनरल साइंस में लेसन नंबर सिक्स सब्सटेंसेस इन डेली यूज इस लेसन का एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके क्वेश्चन आंसर बैठ कर सकते हैं। ये है लेसन नंबर सिक्स सब्सटेंसेस इन डेली यूज, उसका एक्सरसाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स। उसमें से फर्स्ट है रबर मेड बाय वल्कनाइजेशन इज अ डैश मटेरियल। इसके आंसर में आएगा आर्टिफिशियल हार्ड। रबर मेड बाय वल्कनाइजेशन इज अ आर्टिफिशियल हार्ड मटेरियल। सेकंड, मैन मेड मटेरियल्स आर मेड बाय डैश नेचुरल मटेरियल। इसके आंसर में आएगा प्रोसेसिंग। मैन मेड मटेरियल्स आर मेड बाय प्रोसेसिंग नेचुरल मटेरियल्स। थर्ड, डैश थ्रेड वाज डेवलप्ड साइमल्टेनियसली इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। इसके आंसर में आएगा नायलॉन। नायलॉन थ्रेड वाज डेवलप्ड साइमल्टेनियसली इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। फोर्थ, रेयन इज आल्सो नोन एज डैश। इसके आंसर में आएगा सिंथेटिक सिल्क। रेयन इज आल्सो नोन एज सिंथेटिक सिल्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें से फर्स्ट है व्हाई डिड द नीड फॉर मैन मेड मटेरियल्स अराइज। द आंसर इज मैन कंटिन्यूअसली स्ट्राइव्स फॉर न्यूअर एंड न्यूअर थिंग्स। ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू मेक हिज लाइफ मोर कम्फर्टेबल। देयरफॉर फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेस ही ट्राइड टू मेक डिफरेंट यूजेबल आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस। द प्रोडक्शन ऑफ लो कॉस्ट एंड प्लेंटीफुल मटेरियल्स सेटिस्फाई मैन्स नीड। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड, विच आर द नेचुरल मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। द आंसर इज फॉलोइंग प्लांट ओरिजिन एंड एनिमल ओरिजिन नेचुरल मटेरियल्स आर ऑब्टेन। फर्स्ट, प्लांट ओरिजिन मटेरियल कॉटन, जूट, हैम, टीक, वुड, फ्लावर्स, फ्रूट्स। एंड एनिमल ओरिजिन मटेरियल लेदर, सिल्क, लैक, पर्ल, वूल। नाउ नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया, व्हाट इज वल्कनाइजेशन। द आंसर इज वल्कनाइजेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द रबर इज हीटेड विद सल्फर फॉर 3 to 4 hours। दिस प्रोसेस मेक्स रबर हार्ड। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, विच नेचुरल मटेरियल्स आर यूज टू ऑब्टेन फाइबर्स। द आंसर इज द नेचुरल मटेरियल्स यूज टू ऑब्टेन फाइबर्स आर कॉटन, जूट, हैम, वूल, सिल्क एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया, व्हाट आर वी यूज्ड फॉर। फर्स्ट, सॉइल। द आंसर इज सॉइल इज यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर। इट इज आल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस। ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स आर मेड फ्रॉम सॉइल। पॉट्स, अर्न्स, क्ले स्टोव्स एटसेट्रा आर मेड फ्रॉम सॉइल। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड, वुड। द आंसर इज फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड। द डोर्स एंड विंडोज ऑफ हाउसेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड। देयरफॉर इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वुड इज लार्जली यूज्ड। वुड ऑल्सो गिव्स फ्यूल। मेनी अदर यूजफुल आर्टिकल्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड। नाउ नेक्स्ट, थर्ड, नायलॉन। द आंसर इज नायलॉन थ्रेड्स आर ड्यूरेबल एंड हेंस यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, फिशिंग नेट्स एंड क्लोथ्स। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ, पेपर। द आंसर इज पेपर इज फॉर राइटिंग, फॉर मेकिंग बुक्स, नोटबुक्स, रजिस्टर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स एटसेट्रा। टिश्यू पेपर इज यूज्ड फॉर वाइपिंग। लॉट्स ऑफ पेपर इज आल्सो यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल्स। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ, रबर। द आंसर इज रबर इज यूज्ड टू मेक टायर्स ऑफ ऑल व्हीकल्स। फॉर दिस हार्ड वल्कनाइज्ड रबर इज यूज्ड। इरेजर्स, रबर टॉयज, बॉल्स, फुटवेयर, रबर बैंड्स आर मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम रबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया, हाउ इज पेपर मैन्युफैक्चर्ड, राइट इन योर ओन वर्ड्स। द आंसर इज फर्स्ट फॉर मेकिंग पेपर द पाइन लाइक कॉनिफेरस ट्रीज आर फेल्ड। सेकंड, बार्क फ्रॉम द लॉग्स ऑफ दिस कॉनिफेरस ट्रीज इज रिमूव्ड। थर्ड, द वुड इज ब्रोकन इंटू स्मॉल पीसेस। फोर्थ, इट इज मिक्सड विद सर्टेन केमिकल्स एंड सॉफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस फॉर्म्स अ पल्प। फिफ्थ, वेन द केमिकल प्रोसेस इज कम्प्लीटेड द फाइबर्स फ्रॉम द वुड आर सेपरेटेड। सिक्स्थ, द डाइस आर देन मिक्सड इन द पल्प एंड इट इज पास्ड थ्रू रोलर्स। सेवेंथ, इट इज देन ड्राइड एंड देन वाउंड ऑन द रील्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया, गिव साइंटिफिक रीजंस। उसमें से फर्स्ट है वी मस्ट यूज कॉटन क्लोथ्स इन समर। द आंसर इज कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। द स्वेट इज अब्सॉर्ब्ड इन दीज फाइबर्स। द स्किन रिमेन्स ड्राई एंड द चांस ऑफ कैचिंग स्किन इन्फेक्शन इज लेस। बाय यूजिंग क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स
वी मे फील अनकम्फर्टेबल, देयर फॉर वी मस्ट यूज कॉटन क्लॉथ इन समर. नाउ नेक्स्ट, सेकेंड, वी मस्ट ऑब्जर्व इकोनॉमी इन द यूज ऑफ मटेरियल्स. द एंसर इज मैन हैज ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई हिज नीड्स. ही ऑल्सो मेड मेनी न्यू सब्सटेंसेज बाय चेंजिंग द नेचुरल सब्सटेंसेज इन द इरिवर्सिबल वे. वाइल मेकिंग सच सब्सटेंसेज the properties of the constituent undergo change due to chemical reaction. We cannot obtain the natural resource again. Many a time these man-made substances are hazardous for the environment. Example, thermocol plastic. In order to save our natural resources and prevent depletion, we must observe economy in the use of them. Now next, third, saving paper is the need of the hour. The answer is paper is made from wood pulp. To obtain paper, more and more trees are felled by excessive use of paper. Large scale deforestation takes place. If trees and forest vanish, we have to face dangers such as climate change. Therefore, saving paper is the need of the hour. Now next, fourth, man-made materials have more demand. The answer is man-made material is easy to use, low in cost, available in plenty. The original natural materials are changed into man-made material to suit the convenience. Example, instead of cotton and wool fibers, synthetic fibers are more convenient for use. Plastic and thermocol are the materials that has fast replaced the natural alternatives. Thus, man-made material has more demand. Now next, fifth, humus is a natural material. The answer is there are soil microbes that brings about decomposition process in the soil. From the dead and decaying remains of animals and plants, humus is formed by them. This is a natural process and therefore humus is called a natural material. Now next question karte hain. Sixth question mein kya diya gaya, find out. Usme se first hai, how is lac obtained from nature? The answer is lac is the secretory material obtained from lac insect. From the body of female lac insect, this resinous substance is given out as secretion. When this substance comes in contact with air, it solidifies and forms lac. Now next, second, how are pulse obtained? The answer is pulse are formed inside the cells of the bivalves marine animals. If any foreign particles enter the body of this animal, a layer of protective substances called sanchre is deposited around it. This deposition ultimately forms pearl. In the laboratories, artificially a bead is inserted in the body of an animal called pearl oyster. Pearl oyster deposits layers of sanchre around this bead. This is how cultured pearl is prepared. So friends, आज हमारा यहाँ पे lesson number 6 का exercise complete हुआ. दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्वेश्चन आंसर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नमस्कार दोस्तों.